जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि SSC GD कांस्टेबल की वैकेंसी अभी निकल के आई हुई है। जो भाई और बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि SSC GD ने 26,146 पदों पर जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। SSC GD कांस्टेबल के जो फॉर्म हैं वो 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, और फरवरी या मार्च के अंदर में आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, और रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद में जो है आपका अप्रैल या मई जून जुलाई में आपका फिजिकल होने वाला है, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होने वाला है। ये है आपकी प्रोसेस जो क्रम वाइज आपका। तो कुछ बच्चे जो बोलते हैं कि पहले पेपर होगा या पहले फिजिकल होगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि SSC GD कांस्टेबल जो वैकेंसी निकल के आई है 26,146 पदों पर, इसके अंदर में आपका पहले जो है रिटर्न एग्ज़ाम ही होने वाला है, उसके बाद में आपका फिजिकल होने वाला है। तो जल्दी से सभी भाई नहीं किया है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। और इसकी एज लिमिट की हम बात करते हैं तो सभी जो कैंडिडेट है SC ST OBC 23 साल उनकी एज लिमिट रहने वाली है, और जो EWS SC ST के जो भी भाई बहन हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है, और जो OBC के हैं उन बच्चों के लिए 3 साल की छूट दी गई है, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हाइट की हम बात करते हैं, जैसे लड़कों की और लड़कियों की हाइट होने वाली है और लड़कों का चेस्ट होने वाला है, और जो इससे फिजिकल के बारे में आपका क्या क्या होने वाला है। इससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई और बहन वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाई और बहनों तक ये फिजिकल का जो वीडियो है वो पहुँचे। जब हाइट की बात करते हैं, जो भी लड़का है SC ST या OBC जनरल जिस भी आप कैटेगरी से है, तो उन सभी के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर रहने वाली है, और महिलाओं के लिए जो हाइट दी गई है वो 157 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। 157 सेंटीमीटर जिस बहन की हाइट है वो SSC GD कांस्टेबल के अंदर में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे पिछली बार जो रिजल्ट में रह गया था या रिटर्न में रह गया था या फिर रनिंग में रह गया था, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें जो रनिंग होने वाली है वो रनिंग जो है आपकी 5 किलोमीटर रनिंग लड़कों की होने वाली है, और 1600 मीटर रनिंग जो है लड़कियों की होने वाली है। तो लड़कियों की 1600 मीटर की रनिंग होगी तो उसमें आपको जो है 8 मिनट टाइम दिया जाएगा, और लड़कों के 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है तो उन सभी को टाइम जो है 24 मिनट से लेकर 25 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसके बाद में वेट की बात करते हैं, तो लड़कों की वेट जो होता है वो हाइट के हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। किसी जो भाई का वेट ज़्यादा है, जैसे 6 फुट किसी का हाइट है और 70-75 रन वेट है बच्चे का, वो चलेगा। जैसे लड़कियों के वेट की बात करते हैं तो लड़कियों का वेट जो है 50 kg नॉर्मली वेट है, 50 kg वेट होना चाहिए, 47.5 kg वेट। और लड़कों के वेट नहीं होता, लड़कों का हाइट होने वाला है, और जैसे चेस्ट होने वाला है तो चेस्ट की हम बात करते हैं तो 80 से लेकर 85 जो है आपका चेस्ट होना चाहिए। जैसे हमारा नॉर्मली जो चेस्ट होता है वो 80 चेस्ट आपका होना चाहिए, और मैनेजमेंट के बाद में आपका जो चेस्ट है 5 पुलआउट होना अनिवार्य है। तो आपका 5 पुलआउट हो जाएगा तो आपका पीछे से चेस्ट होना चाहिए। तो ये है SSC GD कांस्टेबल की। और इसके बाद में आपको ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि मैं SSC GD का और कांस्टेबल, जो भी आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं या रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए विजन ऑफ सक्सेस के साथ में। जो क्लासेज है वो क्लासेज जो है आपको निःशुल्क रिटर्न की तैयारी करवाएगा और आपको फिजिकल की तैयारी करवाएगा, आपको 0 रुपये फीस के साथ में। मैं गारंटी लेता हूँ आपको SSC GD के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।